Yeah, I'm feeling amazing today. Actually, it's a special day for my life. Mile ho tu humko bade naseebon se churaya hai main. In the very first meeting, I was sure ki yes, this is the person with whom I want to be for the whole life. Mile ho tu humko bade naseebon se churaya hai main. Actually, we met 8 months ago. That time, we really don't know each other well. But now, we really know each other very well. And now, we have a very good understanding between both of them. Mile ho tum humko bade naseebon se churaya hai maine kismat ki lakeeron se. Mile ho tum humko बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. Today is the very biggest day of whole family. I'm very lucky. मेरा ब्रदर इतना ज़्यादा सपोर्टिव, इतना ज़्यादा केयरिंग है मेरे प्रति. इज एवरीथिंग फॉर मी. जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से. When I came to know about his profile, कि he is a businessman, I was not sure कि मुझे कैसे लगेगा, because I'm in job, तो मुझे था कि हमारे thoughts match करेंगे नहीं करेंगे, दिखने में कैसे होंगे, personality कैसी होगी, सोच में कैसे होंगे. She's very caring. She really do love me, and I really love her so much. We really do respect each other. He's a very good person. I think I had fallen in love with him. बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन. और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उसमें, बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है हर चीज को, तो आगे हमारी लाइफ में ये चीज बहुत हेल्प करेगी दूसरे के रिलेशन को आगे फर्दर आगे लाइफ में लॉन्ग लाइफ जैसे एक दूसरे को समझने में. जिंदा तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीर. आज मुझको ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक किंग टाइप, आई एम फीलिंग लाइक अ किंग. सो ऐसा लग रहा है सभी आज मेरे को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं. सो ऐसा लग रहा है आई एम ऑन सेवंथ हेवन. तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं सदा रहना दिल में करीब होके. आई एम एक्साइटिंग आल्सो कि हाउ पीपल आर गोइंग टू जज मी, हाउ पीपल आर गोइंग टू लुक एट मी. आई एम नर्वस टू विल आई बी एबल टू फेस देम एंड हाउ आई एम गोइंग टू ट्रीट देम, हाउ I'll be able to answer them if they ask something. Uski eyes bahut attractive lagi mere ko, first of all, and then she's very charming, she's very beautiful and beautiful by heart. Chitti taron mein bhi mera tu salaam rakhna, andhera tera maine le liya. I'm feeling very amazing, top of the world, brilliant. This feeling is totally extraordinary. Totally, I haven't thought कि मैं ऐसा feel कभी करूँगी. But आज के दिन मेरे को ऐसा feel हो रहा है कि yes, ये feeling जिनको होती है, they people are very very fortunate. वेरी स्टार्ट तो आई वॉज नॉट फीलिंग कि मेरी शादी हो रही है इन द होल सेरेमनी, बट अभी आज फील हो रहा है कि येस आई एम गेटिंग मैरिड, नॉट एनीवन एल्स. बड़ी खुशी की ये बात है कि आज मेरे घर बिटिया का जन्म हुआ है जिसका नाम है पारुल अरोड़ा. तो मेरे परिवार को और मेरे चाहने वाले जितने भी हैं मेरे, उनको सब मैं मुबारकबाद देता हूँ. और जिन्होंने आकर मेरी खुशियों में शामिल होकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी दी और आदर सत्कार और आशीर्वाद दिया बड़ों ने,
बच्चों की खुशियाँ सबसे बड़ी माँ बाप के लिए होती है। माँ बाप भी खुश होता है जब बच्चे खुश होते हैं। कंग्रेचुलेशन गाइस, मैंने आपका फंक्शन बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा था। हिमांशु और पारुल की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और फंक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमने सभी ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। From Sydney, Australia. I've come to attend my cousin's wedding and yeah, I have a lot of praise for it. It was really fun so far. I've been really excited and yeah, it was really good. I like this marriage and it's really amazing, and God bless Himanshu and his wife. I'm very happy. This wedding is amazing, wonderful. I'm so happy. I have enjoyed all the function, all the celebrated in this wedding. हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कपल्स के लिए, दोनों के लिए, कि परमात्मा उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, उनकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी रहे। दैट्स इट। माय सिस्टर, शी इज सो ब्लेस्ड, वी कॉल शी इज ए लक्ष्मी of our house. Today is the very big day for my life and I miss a lot. Bolna mai bolna, मेरी तो लड़की मेरे दिल का टुकड़ा सी। मैं परमात्मा के बेनती करदा, ये जड़ी जोड़ी परमात्मा ने बनाई है सदा सुखी रहे, और मेरी शिक्षा बेटी नू होया है अपना घर छड़ के इस घर दे विच प्रवेश कर रही है, तो उन्हू अपना घर समझ के अपनी नवी जिंदगी नू स्टार्ट कर रही है। सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना। मैं तो ऐसे लग रहा है मेरा घर भी खाली हो गया, मेरा जिगरा भी खाली हो गया, सारा कुछ खाली हो गया। एज ए मदर होने के नाते भी बच्चों की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे, परमात्मा नू मेरी यही विनती है बस। तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना। बेसिकली पर मैं एक दो चीज़ों को लेकर थोड़ा जहा हैप्पी भी हाँ, भी हम दीदी खुश हैं, जो पहले वो चीज़ें मिस कर रहे थे हम अपना लाइफ के बीच इंजॉय करेंगे, जो उन्हें अभी वो सोचते थे कि भी हाँ मैंने आ करना। तीसरी चीज़ ये भी है, तो जो दीदा रूम से मैं हमेशा उन्होंने लड़ता रहता भी मेरा रूम है। इस मैं स्टिकर्स लगाऊंगा, दीदी लगाने नहीं देंगे सी, मैं पेट रखना सी, दीदी रखने नहीं देंगे सी, मैं रखूंगा दीदी सॉरी। बट हाँ, खुश रखियो, जब भी याद आवे सानू फोन कर दियो। बहुत अच्छा रहा जी, अद्धा फंक्शन बहुत अच्छा रहा, गुरु महाराज की कृपा ना जी, सारा कुछ अच्छा हो गया जी, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया जी, जिन्नी एक्सपेक्ट नहीं सी की, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। बेटी बना के रखेंगे जी उसको, बेटी की कमी महसूस ना हो जी उसको। कंग्रेचुलेशन।